हमारी आज हम बनाने वाले हैं हमारी न्यू डिश जिसका नाम है कैबेज की सब्जी, जो मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको जो कैबेज चाहिए वो बहुत फाइन काटना है, और आपको उसके लिए चाहिए मटर और अनियन कटे हुए दो छोटे, और मिर्ची चाहिए आपको। अदरक डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कभी भी कोई भी गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं, या फूल गोभी हो या कैबेज की सब्ज़ी हो, तो आप अदरक ज़रूर डालिएगा क्योंकि उससे गैस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर आपको चाहिए ग्रीन धनिया, हमें चाहिए कड़ी पत्ता और ऑयल, और टमाटर कटे हुए चाहिए दो मीडियम। तुम आपको टमाटर ऐसे काटने हैं पतले और स्लाइस में, ये ध्यान रखिए। चलिए हम बनाने की शुरुआत करते हैं। मैंने ऑलरेडी कढ़ाई रख चुकी हूँ मैं, तो इसमें मैं इसमें दो बड़े चम्मच ऑयल डालूँगी। अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं दो बड़े चम्मच। इसके बाद चलिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपनी ग्रीन चिलीज और अदरक, थोड़ा सॉल्ट होने देते हैं। बाद हम डालेंगे अपनी कड़ी भी, कड़ी लीव डालेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी कड़ी लीव जगह बड़े हों तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हाफ करके भी डाल सकते हैं। तो कड़ी लीव खाना भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, कुछ लोग निकाल देते हैं खाने से, बट उसको खाना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें अनियन डाल दीजिए आपके, इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे, एकदम हल्का ब्राउन करना है हमें। गाइस ये हल्का ब्राउन हो चुका है, हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है हमारे मटर। अब आपको स्लो पे इसको रखना है 1 से 1.5 मिनट तक। गाइस 1 मिनट हो गया है, हमारे मटर अच्छे से भुन चुके हैं प्याज में। अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे, हमें नमक नहीं डालना है अभी, फिर डालना है आपको आधा चम्मच हल्दी, मिर्ची आपके हिसाब से डाल सकते हैं, मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ। बस आपको ये दोनों चीज़ें डालनी है और मिक्स देना है। इस सब्ज़ी में कोई भी मसालों की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ हल्दी नमक और लाल मिर्ची से बनानी है, या पत्ता गोभी डालेंगे। गाय के अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको रख देंगे 2 मिनट के लिए स्लो आंच। गाइस 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी पत्ता गोभी को रखे हुए ये अच्छे से भुन चुकी है घी में, ऑयल में सॉरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे हमारे टमाटर। टमाटर आपको ऐसे नीचे से डालने हैं, और इसके ऊपर सब पत्ता गोभी डाल देंगे। हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए रखेंगे, और इसके बाद हम नमक डाल के वापस उसको रखेंगे। गाइस हो गया 1 मिनट, हमारे टमाटर थोड़े से गल गए हैं, हम इसमें तेज़ गैस कर दीजिए आप। अब इसमें आप नमक डालिए स्वाद अनुसार, और इसमें आपको डालना है जो मेरे धनिया पत्ते थे, मैं हाफ डाल रही हूँ इसमें, बाकी के हाफ मैं बनने के बाद डालूँगी। ये आपको अच्छे से मिक्स देना है। फिर हम इसको ढक के रखेंगे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको खुला रखेंगे। वैसे 1 मिनट हो चुका है, हमारी जो पत्ता गोभी है ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन हम इसको अभी स्लो आंच पे रखेंगे 2 से 3 मिनट तक। आपको ढकना नहीं है इसको, ये देखिए पूरे टमाटर्स के गल चुके हैं अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे फैला के 2 से 3 मिनट तक आपको इसको मीडियम गैस पे रखना है। मीडियम गैस पे आप रख दीजिए इसको 2 से 3 मिनट, ये जो इसका एक्सेस वाटर है वो थोड़ा सूख जाएगा। गाइस हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ, ये देखिए हमारी भाजी तैयार है कैबेज की।
अब आप इसको खा सकते हैं गरम गरम। ये देखिए, आप इसको सर्व कीजिए गरम गरम, गरम गरम रोटियों के साथ, और इंजॉय कीजिए आपका लंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैप्पी बेली।